भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना दिखाने वाली भाजपा सरकार के किसान मोर्चा सदस्य द्वारा भाजपा समर्थित पुंडरी विधायक रणधीर गेलन के लड़के अमित गेलन के रिश्तेदार को नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का मामला सामने आया। जब खुद भाजपा विधायक का बेटा ही रुपयों के बदले नौकरी लगवाने की बात करता है और भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य को रुपए देता है तो आम आदमी कहां से पारदर्शिता से नौकरी के सपने देख सकता है, क्योंकि नौकरियों की खरीद फरोख्त तो खुद भाजपा के ही लोग कर रहे हैं। ऐसे में ये कहावत सिद्ध होती है कि अंधा बांटे शेरनी और अपने अपने को दे। पल पल पंचकुला से तारा ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। ये 5 जुलाई को हमारे पास एक कंप्लेंट आफ्टर इंक्वायरी प्राप्त हुई थी, उसमें विधायक रणधीर सिंह जी हैं, उनके बेटे अमित से पैसे लिए हैं। विनोद खरब नाम के एक आदमी ने, पानीपत का रहने वाला है, इस छोटी नारा गांव का, तो इसने सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए जो आरोप लगाए गए हैं कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए इसने 49 लाख रुपये लिए थे। सर कुछ ऑडियो भी सामने आया है, पुलिस को भी दिया गया है शिकायतकर्ता के द्वारा, उस ऑडियो में क्या बातचीत है? उस ऑडियो में पैसे की लेन देन की बातचीत है, जो कंप्लेनेंट है वो उससे वापस अपने पैसे मांग रहा है, अभी जांच जारी है उसमें। किसी तरह का एविडेंस उसको मिला सर? हाँ, जो ऑडियो में जो बातचीत है वो हमने अपना फाइल पे ली हुई है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इस बारे में हम तफ्तीश कर रहे हैं, जो आरोपी पकड़ा जाएगा उसके बाद ही बता सकते हैं हम कि और भी कोई शिकार हुआ है क्या। तो अभी जांच कहां तक पहुंची है सर, क्या पुलिस आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है? अभी तक इसमें हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी, जो बेल इसकी निरस्त होगी। मेरी टीम फिलहाल पानीपत में है, अभी इसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, आपने एक कंप्लेंट दी थी सेक्टर 14 थाने में, भी आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, क्या है ये पूरा मामला, कैसे आपको धोखा दिया गया? मामले को बड़े साहब आपने उसमें भी देख लिया होगा पेपर में, मामला तो यही था, बंदा था धोखाधड़ी करके चला गया, विनोद नाम का, विनोद खरब नाम उसका, वो किसान मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है वो बीजेपी में, लेकिन ऐसे लोग कई ठग तरह के लोग होते हैं और पार्टी को भी पता नहीं होता कि वो करते क्या हैं। ऐसे ठग लोगों से सबको सावधान रहना चाहिए, मेरे साथ तो कर गया लेकिन अभी तो ये भी है, सबको उनसे सावधान रहना चाहिए और पार्टी को भी उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, भी ऐसे ठग लोगों से जनता को बचाएं। तो कैसे संपर्क में कैसे आया आपकी और क्या बातचीत कैसे शुरू हुई? संपर्क में जी, मैं युवा मोर्चा होता था बीजेपी में 2013 में, तो वो भी युवा मोर्चा में था, तब से आना जाना था आपस में, आते जाते थे, तो जैसे ही आपा विधायक बने गए रविता जी, उसके बाद वो आना जाना ज़्यादा शुरू कर दिया उसने, क्यों ठगी किस्म का आदमी था हमें उसका पता लगा, पता जब लगा तो उसने हमारे साथ ही ठगी मार दी, अब इसलिए वो आते जाते रहता था, उस आने जाने में कहता रहता है मेरी बड़ी सेटिंग है या कोई काम करवाना हो, कोई हम शरीफ किस्म के इंसान हैं, अब कई तो लोग हम पे ब्लेम लगा देते भी ये पैसे खाते हैं, लेकिन हम तो खुद ही अपने पैसे दे बैठे हैं जी, हम किससे क्या ठगी मारेंगे। तो ये कुछ ठगीस्तान होते हैं, ठगी प्रकार के लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, तो आगे कहता भी मैंने HSSC में सेटिंग है, भर्ती आई हुई है SI की, मैं काम करवा दूँगा। तो मेरे मामा के लड़के का उस टाइम भरा हुआ था फॉर्म, तो मुझे लगा भी करवा देगा तो लोग करवा देंगे, तो पैसे ले गए मेरे से 25 लाख रुपए कर लो, फिर पेपर हो गया, फिर कहता पास हो गया, बाकी का मैं रिपोर्ट दे दो 24 लाख रुपये ले गया, फिर ठगी मार गया जी, रिजल्ट आया कुछ नहीं। इसमें वैसे मैं एक बात आपको चैनल के माध्यम से कहता हूँ, भाई ये टोटल पारदर्शिता थी, कोई ऐसा मामला नहीं था, ये केवल ठग किस्म के लोग हैं जो ठगियाँ मारते हैं, सरकार की इसमें टोटल पारदर्शिता थी, अगर मान लो नहीं होती तो वो लड़का लगता नहीं, वो तो लगा नहीं,
सरकार इसमें बिल्कुल पारदर्शी से काम कर रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत ईमानदार आदमी हैं, लेकिन ये इस तरह के लोग फ़ायदा उठाने की सोचते हैं और ये बदनाम करते हैं करवाते हैं और खुद को तैयार करवाते ही हैं। तो आपकी कई बार पैसे अपने वापस भी मांगे, लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उसके बाद क्या कोई थकाने का मामला भी आया अपने पैसे जब मांगे क्या हुआ? जी मैंने एक साल डर लगा रहा है भाई दे दे मेरे पैसे दे दे, कहता रहा आगे जी देगा जी मेरे फंसे हुए हैं जी, मैंने आगे दे रखे हैं। मैंने कहा भाई ये आपका मामला है, आपने मैंने तो आपको दिए थे, कहाँ दे रखे हैं क्या नहीं मेरे को तो पता नहीं है। तो ये करते करते लास्ट में एक बार फिर उसके गांव में गया, घर पे गया। जब मैं उसके घर पे गया तो गाँव वालों से मेरे को पता लगा भाई ये तो बहुत ठगी किस्म का आदमी है, आप इस पर कैसे फंसे, मैं भी बातें करता था। फिर जब उसके घर पहुँचे, घर पर बातचीत हुई, फिर घर पर जाके वो गाँव वालों खत्म किया, कहता मैं जान से मारूंगा, हाँ पैसे पैसे नहीं, पैसे तो मैंने मान लिए, अब कहते जान से मारूंगा तेरे को, और आज के बाद मेरे घर ना जियो। इसका कोई ऑडियो भी आपने दिया है पुलिस को जिसमें आपको जान से मारने की या बातचीत जितनी भी हुई आपकी सारी? हाँ ये जो सारी बातें हैं जो पुलिस के पास गए हुए हैं, तो पुलिस इस काम में लगी हुई है उसी दिन से। उसके बाद इसने सेशन कोर्ट में बेल लगाई, जो पर्चा दर्ज हुआ वो उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, फिर इसे हाई कोर्ट में बेल लगाई वो भी उसकी रिजेक्ट हुई है। अब चार पाँच दिन पहले और मेरे को ऐसा उद्देश्य है भी अब जो ये न्यूज़ पेपर में लगवाई है वो भी उसने लगवाई है। तो अभी क्या कहते हैं क्या आपके के साथ इन्होंने जालसाजी की है या फिर और लोग बीच में शामिल हैं? गाँव से जैसे मेरे को पता लगा, गाँव वालों ने मेरे को बताया भाई ये तो बहुत ठगी किस्म का आदमी है, इसने तो 10-15 करोड़ रुपये लोगों से मार रखे हैं और भी कई लोगों से, और बड़ी शादी ठगा ठगी इस हिसाब से मारता है वो राम जाने ये वो जाने। तो पुलिस जांच में अभी ये भी आया है कि जहाँ कल जो सेटिंग की बात कर रहे थे HSC में, क्या वो भी नाम सामने आया अभी तक किसी का? वो तो वही जानता ना जी, नाम तो लिख रहता है देखो वो, अब वो तो वही बताएगा, मैं उस नाम को ले तो मेरे को आप कहोगे भी आपने नाम ले दिया, वो तो वही बताएगा ना। पुलिस जांच में अभी तक ये चीज़ आई है सामने भी कौन था जो बंदा HSC में जो इसके थ्रू काम होते थे? वो तो वही जानता है ना जी, वो बताएगा इस बात को सही से, जब वो पकड़ा जाएगा तो वो बताएगा ना इस बात को, इस बात को आप कैसे कहते। लेकिन अपने को कहता था मैंने किसी को दे रखे हैं, मैंने किसी को दे रखे हैं, वो तो वो जानता किसको दे रखे हैं। तो पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट है आप जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है? हाँ जी पुलिस अपना ठीक कार्रवाई कर रही है, और जैसे ही हमने सरकार के संज्ञान में मामला आया, सरकार ने भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए थे, भी ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि उसके गांव में गए थे आपको पता चला कि उसने और भी ठगी रखी है, तो किसी व्यक्ति से संपर्क हुआ ऐसी? नहीं मैंने पेपर में देखा है आज ना भाई 25 लाख किसी से ले रखे हैं, 50 पुलिस वालों से ले रखे हैं, वो पेपर में था भास्कर वाले की कोई न्यूज़ लगी हुई है उसमें आप देखना, उसने कह रखा है कि किसी पुलिस वाले से भी पैसे ले रखे हैं उसने, वो तो ठगिया करता था उनसे जीतता था बस। उम्मीद है आपको भी जो है इसमें आपको इंसाफ मिलेगा, पुलिस कार्रवाई करेगी? मिलना चाहिए जी, भारत देश का कानून यही कहता है कि जिसके साथ ऐसा हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बाकी परमपिता परमात्मा में बैठा है जी। अब ये तो उसकी बिल हाई कोर्ट में सबकी मिल जाती है, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हुई है तो परमात्मा देख रहा है। अभी तो फरार चल रहा है? हाँ अभी तक फरार चल रहा है जी।